हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, जो बहुत दिनों से सारे लोग जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब आएगी। तो अब सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हमारे जो नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, नया वेबसाइट्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है PMS ऑनलाइन। तो इसके थ्रू अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे मिलता था, वहाँ बहुत दिनों से बंद था। सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार में थे कि कब वहाँ पे पोर्टल ऑन हो और उस कॉलम से जो बिहार स्टेट का नेम है वो वहाँ से हटा दिया गया था। तो उसके बाद से ये नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है और यहाँ पर अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब हम pmsonline.bis.nic.in पे क्लिक करते हैं तो हमें ये वेबसाइट का इंटरफेस देखने को मिलता है, जो लग रहा है कि अभी अभी नया अपडेटेड है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 2029 से 20 वाले, मतलब 1920 के, 2021 के और 2122 के ही सिर्फ जो भी स्टूडेंट्स हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नियोजित शिक्षक के लिए भी एक कॉलम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे काउंसलिंग के लिए भी, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है उसके लिए भी दिया हुआ है। तो हमें स्पेशली बात करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वेबसाइट्स स्पेशली उसी के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर एकेडमिक्स पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सीधे सीधे कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो सबसे पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये नया वाला वेबसाइट्स है। तो पहले NSP पर रजिस्टर्ड था सारे इंस्टीट्यूट्स जो भी थे या यूनिवर्सिटीज़ जो थी, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वो सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड मिलने चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जब हम इंस्टीट्यूट यहाँ पहले से रजिस्टर्ड होगा ही नहीं, तो हम उस अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करके अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1920 बैच, 2021 बैच और 2122 बैच, इन तीनों के लिए फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, 90 और 20 का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ही 20 और 21 का करना है। ऐसा नहीं कर देना है कि आप सबसे पहले 2021 एकेडमिक ईयर के फॉर्म फिल कर दिया, फिर उसके बाद 19 और 20 के फॉर्म फिल कर रहे हो, फिर जो पहला वाला है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला फॉर्म ही रह पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आप SC ST कास्ट से हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, या अगर BC EBC कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 26,540, उसके बाद एप्लीकेशंस यहाँ पे मिले हैं 669, BC कैटेगरी के जो है वो उनका 201 और EBC का 280, SC का 156 एप्लीकेशंस और ST के लिए 32 एप्लीकेशंस ही अभी तक यहाँ पे फिल किए गए हैं। तो टोटल रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे दिख रहा है 4,591, ये यहाँ पे इतने इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है यहाँ पे नहीं, इसके लिए पहले हमें क्लिक करना है चेक करने के लिए कि हमारा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है कि नहीं। तो मान लो कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे सर्च लिस्ट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, उनका यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हो कि है कि नहीं। तो आपको सीधा यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक ऑल आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि इतने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, और साथ में अगर पोस्ट मैट्रिक के लिए चाहिए तो ग्रेजुएशन से एबव जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पे अभी एक भी
वैसा कोई कॉलेज नहीं है जो ग्रेजुएशंस के लिए है, वो यहाँ पे अभी रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे बोलना है कि आप इस पोर्टल पे आके सबसे पहले इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करिए, यहाँ पे क्लिक करके इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये खुल रहा है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिल इंस्टीट्यूशन डिटेल्स, उसके बाद कोर्स ऐड करना है कि हमारे इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्स के लिए अभी पढ़ाई हो रही है। उस अब आगे इसमें हम क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या फिल करना है। आगे जब बढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट वाले को अपना इंस्टीट्यूट डिटेल, कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ से इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। जब हमारे कॉलेज के इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब हमें क्या करना है कि यहाँ पे उसके बाद ही जब इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर हमें चेक कर लेना है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो सर्च लिस्ट में आ रहा है या नहीं। अगर हमारा इंस्टीट्यूट सर्च लिस्ट में आ रहा है तभी हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि हमें स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स फिल करेंगे, फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, आफ्टर दैट अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज, और लास्ट और जो फाइनल है वो हमारा यहाँ पे फिफ्थ जो स्टेप है वहाँ पे फाइनल हो जाता है, हम सबमिट कर सकते हैं अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हियर एंड रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक करके हम ये देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप अभी मिलने वाला है वो बीसी ईबीसी एसटी एंड एससी स्टूडेंट्स के लिए ही अभी है, जो जिनका रेसिडेंट जो है बिहार का है, मतलब जो बिहार के रहने वाले हैं और वो बीसी ईबीसी एससी एंड एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अभी जो पोर्टल ओपन हुआ है वो एकेडमिक ईयर 2020 2021 और 2021-22 इन तीन एकेडमिक ईयर्स के लिए अभी पोर्टल ओपन है, और मुझे जहां तक लगता है कि 17-18 वाला जो एकेडमिक ईयर था उस टाइम तक का फॉर्म एनएसपी के पोर्टल पे बिहार स्टेट के लिए जो जितने भी रेसिडेंट स्टूडेंट्स हैं जो बिहार के रहने वाले हैं उनका फॉर्म एनएसपी के पोर्टल पे भरा जा चुका था। उसके बाद से 2020-21 और 2021-22 वाले स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अब पोर्टल खुल चुका है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के लिए ध्यान देना है कि आप एक ही बार एक एकेडमिक ईयर में अप्लाई करें, साथ में आप अपना एक ही एकेडमिक ईयर में एक से ज़्यादा अप्लाई ना करें, फॉर्म ना फिल करें। तो यहाँ पे लिखा है कि ओनली वंस फॉर वन एकेडमिक ईयर, अदरवाइज हिज और हर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, एंड देन स्कॉलरशिप ओनली वंस फॉर ईच एकेडमिक ईयर। ओके, इन बातों पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे लगने वाला है वो आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आधार कार्ड लगेगा, मतलब हमें सबसे वो बाद में लगेगा, उससे पहले क्या करना है हमें रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड करने बाद हमें रजिस्ट्रेशन करने के टाइम हमें अपना नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल यूज करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हमें वहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड को हमें अपने पास रखना है, किसी शेयर नहीं करना है। जैसे ही हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद हमारा जो एकेडमिक ईयर है 2020-21, 2021-22 जिसमें हम फिल करना चाहते हैं उसके लिए वो एकेडमिक ईयर हम सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। फॉर्म फिल करने में हमारे पास जो ज़रूरत वाली डॉक्यूमेंट्स हैं वो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स ऑफ बिहार, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 2020-21 और 2021-22 के लिए होने चाहिए, फिर फी रिसिप्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है, जो आपका फी रिसिप्ट है इंस्टीट्यूट का हर एकेडमिक ईयर का उसका फॉर्म चाहिए, और फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए।
उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपने लास्ट सेमेस्टर का या ईयर्स का एग्ज़ाम दिया है उसका पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, मार्कशीट। उसके बाद हमें लास्ट में फाइनली सबमिट करना है अपना एप्लीकेशंस। उसके बाद एप्लीकेशंस का जो एक हार्ड कॉपी है उसको कॉलेज में सेंड कर देना है, ताकि वो आपका जो भी डिटेल्स है वो मैच करके आपके एप्लीकेशंस को वेरीफाई कर लें। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई होगा, फिर नोडल ऑफिसर आपके इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे फी रिसिप्ट फॉर्म इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इसका कैसा सैंपल होना चाहिए वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये सैंपल फॉर फी रिसिप्ट है। फी रिसिप्ट पे जो हमारा कॉलेज है वो देगा, उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, एडमिशन नंबर, कोर्स जो भी कोर्सेज हम किए हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल्स हैं, सिविल्स हैं, तो जो जिस कोर्स में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिस कोर्स के लिए, वो आप यहाँ पर मेंशन करना है। फिर सेशन, जो सेशन है आपका 17, 18, 19 या 90 to 20, वो सेशन यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद एडमिशन फ़ी, अब ये फी रिसिप्ट है तो मेन तो यहाँ पे आपको डिटेल देना है फ़ी की, तो एडमिशन फ़ी यहाँ पे देना है, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, यूनियन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी और जो आपका अदर्स बाकी का जो भी फ़ी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। टोटल मिला के आपको जितना आपका फ़ी है उसको टोटल में को इतने में डिवाइड कर लेना है और यहाँ पे फिल कर देना है। और ध्यान रखना है इस बात का कि हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी पेबल नहीं है, वाली नॉन रिफंडेबल फ़ी आर एडमिजिबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सील, यहाँ पे सिग्नेचर और मुहर करवा लेनी है। फिर आपका जो है फी रिसिप्ट वो आपका प्रिपेयर हो गया अपलोड करने के लिए फॉर्म फिल करते टाइम। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट का कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए, जो यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कि डेट दिया होना चाहिए हर एकेडमिक ईयर का और उस टाइम का, फिर आपका नाम, आपके फादर्स या का नाम, फिर रोल नंबर, उसके बाद आपका एकेडमिक ईयर, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब करने के बाद यहाँ पे नीचे आपके कॉलेज का स्टाम्प एंड सिग्नेचर होना चाहिए प्रिंसिपल का, बस यही करना है आपको। और उसके बाद ये दोनों फॉर्म, ये दोनों जो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म, इनमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों पहले आपको प्रिपेयर कर लेना है कॉलेज से, और उसके बाद आपको फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर, जेंडर, आधार नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर जो आधार पे आपका नाम है, नेम एज पर आधार, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको वेरीफाई करना है अपना आधार, फिर फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू कर लेना है अपने रजिस्ट्रेशन को, जो आपने इसमें फिल किया कि सही सही आपने सारा चीज़ इसमें डिटेल्स फिल किए हैं या नहीं, कोई भी मिसमैच है, एरर है, तो उसको आप फिर से ठीक कर लें और फिर आप यहाँ पे सबमिट कर दें। उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा और आप उसके बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।